Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel, Mr. Ghulam Rukun. Friends, today we will study for class 9-11. Today our subject is biology. The topic from which today we will discuss that is kingdom prokaryote. This topic belongs to the chapter number 6 of the class 11 of the same textbook, which name is kingdom prokaryote. This is our first lecture on this chapter. If you want to see the previous lectures, and if you want to see our next lecture from your own choice, then please subscribe to my channel and please press the button of bell icon for latest updates in the comments. Moving forward to the our topic. Dear friends, जैसे कि हमें पता है कि आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्रोकैरियोट। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम भी है किंगडम प्रोकैरियोट, जो कि चैप्टर नंबर 6 से। सबसे पहले यहाँ पता होना चाहिए कि किंगडम प्रोकैरियोट किससे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें उसकी जो टर्म्स हैं या उसकी जो चैप्टर्स की जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, वो हमें समझ आ जाएगी आसानी से, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर यूनिसेलुलर हैविंग प्रोकैरियोटिक और प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब यहाँ बताया जा रहा है कि प्रोकैरियोट वो ग्रुप है या किंगडम प्रोकैरियोट वो ग्रुप है जो कि कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उनके पास, उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास प्रोकैरियोटिक या प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। इसका मतलब क्या है, ये बहुत अहम बात है इस किंगडम की। पहली पॉइंट ये है, क्योंकि प्रोकैरियोट नाम है तो मैं आपको प्रोकैरियोट समझा चुका हूँ और यूकैरियोट। तो आपको डिफरेंस आना चाहिए कि प्रोकैरियोट किसे कहते हैं और यूकैरियोट किसे कहते हैं। प्रो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, प्रो का मतलब होता है फॉल्स, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल के बाहर प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो या ट्रू न्यूक्लियस ना हो, तो वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ग्रुप में आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें, ठीक है। प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, कॉल्ड बैक्टीरिया। अब इसमें एक एग्जांपल दी गई है बैक्टीरिया, ठीक है, इन विच ईच सेल कंटेन्स अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड इन अ लूप एंड नॉट एनक्लोज इन अ न्यूक्लियस। यहाँ बताया जा रहा है कि इस सेल के यूनिसेलुलर सेल मतलब जो बैक्टीरिया है हमारा, इस सेल के अंदर सिंगल डीएनए मौजूद होता है, सिंगल डीएनए मौजूद मॉलिक्यूल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वो कॉल्ड होता है इस तरह से, ठीक है। नहीं जाए कुछ समझा गया होगा कि कॉइल का मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कॉइल होता है डीएनए और इनक्लोज नहीं होता किसमें, न्यूक्लियस में, जो कि बिल्कुल सेंटर होता है किसी भी सेल का, जो कि सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मैं न्यूक्लियस के ऊपर भी अपनी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपको देखनी हो तो मेरे चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो बैक्टीरिया है वो हर जगह पे मौजूद है तकरीबन, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल लिंक्स इन द रिसाइकलिंग ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन यूज देम इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे एक लफ्ज आ रहा है इंडिस्पेंसिबल, यहाँ बताया जा रहा है कि जो बैक्टीरिया है वो हर जगह मौजूद होती है इन्वायरमेंट में, पानी से लेकर इन्वायरमेंट तक, ठीक है, पानी में भी रहती है, इन्वायरमेंट में रहती है, ठीक है, लेकिन इंडिस्पेंसिबल होती है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है नेसेसरी होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि बहुत एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा नेसेसरी हो, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल लिंक्स इन द रिसाइकलिंग ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स, जो बैक्टीरिया होती है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होती है, मतलब कि ज़्यादा नेसेसरी होती है, ज़रूरी होती है किसमें, रिसाइकलिंग ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स इन द इकोसिस्टम। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आ रहा है दूसरा, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहते हैं रिलेशन ऑफ दी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे क्या मतलब है लिविंग या नॉन लिविंग, जिस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इकोसिस्टम है, किस तरह से कि वहाँ पे प्लांट्स भी होते हैं, वहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं और वहाँ पे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, किस तरह से, जिस तरह से हम चेयर पे बैठते हैं तो क्या है चेयर, नॉन लिविंग होगी, ठीक है। तो हमारा ये पूरा एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया जो होते हैं वो एब्सोल्युटली
जरूरी होती है इसमें रिसाइकलिंग ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, एंड ह्यूमन यूज देम इन रिसर्च। जो ह्यूमन्स होते हैं वो बैक्टीरिया को रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, तो डिस्कवरी किस तरह से हुई कि बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च की गई, उसके बाद एक नाम दिया गया कि बैक्टीरिया है, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ख़त्म हुआ, अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।